प्रेगनेंसी, तो आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो जो प्रेगनेंसी में जो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो ये मोर कॉमनली प्रेगनेंसी में देखा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे कई कोज होते हैं जिनकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली होता है। तो और जबकि इसमें मोस्ट कॉमनली कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मेनली इसमें जो इसरीशिया कोलाई बैक्टीरिया होता है वो इसका मेन कोज होता है, और इसके साथ साथ अदर बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे कैलेंडरसिला निमोना या फिर एंटेरोकोकाई, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इनके इसके साथ में इन बैक्टीरिया के साथ में ग्रुप ऑफ कुछ एसिम्प्टोमेटिक जो जैसे बैक्टीरियमिया एंड सिस्टाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। तो बैक्टीरियमिया क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन यूरिन। तो अगर बैक्टीरिया की कंडीशन अगर अनट्रीटेड रहती है, अगर मोर सीवियर हो जाती है, तो फिर वो कॉज करेगी सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस को। तो सिस्टाइटिस क्या होता है कि जो लोअर यूटेरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन्फेक्शन ऑफ लोअर यूटेराइन ट्रैक्ट सॉरी यूरिनरी ट्रैक्ट को सिस्टाइटिस बोलते हैं, जो कैरेक्टराइज बाय मिक्चुरेशन बर्निंग मिक्चुरेशन एंड फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। एंड एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है कि जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना। तो इसमें जो पाइलोनेफ्राइटिस है इसमें एक तो जो पेल्विक रीनल पेल्विस इन्वॉल्वमेंट होता है और दूसरा रीनल पैरेन्काइमा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें साथ में देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो साइन सिम्टम्स में मेनली फीवर होगा, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर तो होगा ही पेशेंट को, और फीवर विथ राइगर्स एंड चिल्स, राइगर एंड चिल्स के साथ में फीवर होगा, या मलेस थकान बैक पेन होगा पेशेंट को, या फिर जो बैक पेन होगा वो रेडिएट होगा थाई की तरफ या ग्रोइन की तरफ, एंड एनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग एंड डिश यूरिया होगा, या फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होगा, या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी इसमें हो सकता है, और टैकीकार्डिया भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और जो यूरिन होगा वो टर्बिड होगा उसमें, या फिर ब्लड होगा यूरिन में। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है इसकी, कॉम्प्लिकेशन जैसे अबॉर्शन हो सकता है इसमें, या फिर क्योंकि इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, या फिटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन यूट्रस में भी जा सकता है इस वजह से, और इंट्रायूटेराइन फिटल डेथ भी हो सकती है, या प्रीमैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। अब देखते हैं इसके डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस के लिए हम यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे और कल्चर, तो जो क्लीन मिड स्ट्रीम यूरिन होगा वो उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे, कल्चर टेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या देखने को मिल सकते हैं कि हमको एक लाख से ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसमें देखने को मिल सकती है हमें यूरिन में, और इसके साथ साथ यूरिन का कल्चर और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन दोनों किया जाता है। उसके बाद में ट्रीटमेंट इसका मतलब डिपेंड ऑन सीवियरिटी, कितनी सीवियरिटी का इन्फेक्शन उस पर डिपेंड है, या फिर जो बैक्टीरिया की कंडीशन है तो उसको उससे जो अगर फर्दर जो सिस्टाइटिस या फिर पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन ना हो तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम पहले ही उसको एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करते हैं, और कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट पे भी डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट का लेवल क्या होगा। तो जो अक्यूट जो पाइलोनेफ्राइटिस है उसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड करके ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें रेगुलरली फीटल और मैटरनल मॉनिटरिंग होती है।
होती है साथ में, और आई वी फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट की जाती है और आई वी एंटीबायोटिक दी जाती है। तो आई वी एंटीबायोटिक देने के लिए इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे ओरल एंटीबायोटिक देंगे तो ओरल एंटीबायोटिक कौन कौन से देंगे, नाइट्रोफुरानोइन 100 mg QID देंगे और उसके साथ आप एम्पिसिलिन देंगे 500 mg QID या अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं 500 mg TDS या फिर सिफिलेक्सिन देंगे 50 mg TDS या फिर ओरल फोस्फोमाइसिन सचेट, एक पाउडर फॉर्म में आता है सचेट, वो देंगे विद एक 1 glass of वाटर, तो वो 3 gram का आता है सचेट, वो 1 glass पानी के साथ उसको देंगे। तो उसको मेनली ड्यूरिंग बेड टाइम दिया जाता है या फिर खाना खाने के 1 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद में उसको देते हैं। तो और इसके बाद में आईवी थेरेपी एंटीबायोटिक्स देंगे। आईवी थेरेपी एंटीबायोटिक्स पहले पाइलोनेफ्राइटिस के लिए होती है मेनली, तो आईवी थेरेपी के लिए सिफ्रोक्सिन देंगे 750 mg TDS और वो अमोक्सिक्लियर देंगे 1.2 gram TDS और जेंटामाइसिन देंगे 2 to 5 mg पर kg पर डे इन 8 hours, ठीक है। तो और उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, जो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया है उसके लिए 3 to 5 days तक हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं और सिस्टाइटिस के लिए 7 days तक देते हैं और पाइलोनेफ्राइटिस के लिए टोटल 14 days का ट्रीटमेंट प्लान होता है, उसमें 2 days आईवी एंटीबायोटिक चलती हैं एंड रिमेनिंग 12 days ओरल एंटीबायोटिक दी जाती है। और इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में बार बार यूटीए हो सकते हैं, तो उसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट की जाती है, जैसे नाइट्रोफुरानोइन या फिर सिफिलेक्सिन या अमोक्सिसिलिन की डोज दी जाती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो हमने पढ़ा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, इसका इंट्रोडक्शन, साइन सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन डायग्नोसिस एंड इसका ट्रीटमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूट रीनल फेलियर। तो प्रेगनेंसी में एक्यूट रीनल फेलियर क्यों होता है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है। एक्यूट रीनल फेलियर इज ए सडन डिक्रीज इन रीनल फंक्शन विद पोलीयूरिया। तो सडन जो रीनल का किडनी का फंक्शन है उसका सडनली डिक्रीज हो जाना और साथ में ओलीयूरिया की कंडीशन भी होना, यूरिन का डिक्रीज अमाउंट भी होना, तो ये कुछ हावर्स में भी हो सकती है ये कंडीशन डेवलप या फिर कुछ दिनों में भी हो सकती है। तो इसके टाइप्स देखते हैं, इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, डायरिया होगा। और यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे इसका,
उसमें तो यूरिन एग्जामिनेशन में नॉर्मल यूरिन एग्जामिनेशन नॉर्मल फाइंडिंग आएगी या फिर कुछ ब्राउनिश पिगमेंटेड सेल्स दिखाई देंगे यूरिन में या फिर जो रिनल ट्यूब्स के जो सेल्स हैं वो भी दिखाई दे सकते हैं। और इस कंडीशन के कारण पेशेंट जो है वो रैपिड शॉक की कंडीशन में जा सकता है और उसके साथ साथ इसमें माइल्ड जॉन्डिस भी हो सकता है और पेलर और साइनोसिस भी इसमें दिखाई दे सकता है। और उसके बाद में सेकेंड जो टाइप है वो है रिनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस। रिनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस इसमें क्या होता है कि जो बाइलेटरल रिनल कॉर्टिकल्स का नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि और ये इरिवर्सिबल कंडीशन होती है और हाईली इसमें हाईली मोर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेस के कारण ये कंडीशन अराइज होती है। तो जो ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन है उसके कारण कोई भी ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन उसके कारण जो ब्लड सप्लाई होती है निरल कॉर्टेक्स एरिया में वो डिक्रीज हो जाती है जिसके कारण वहाँ पर नेक्रोसिस या फिर इस्चीमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है। ठीक है, और ये सीरियस टाइप का रिनल फेलियर है। और क्योंकि ये क्यों होता है क्योंकि इसका मेन कॉज क्या है कि जो प्रोलॉन्ग किसी भी कॉज की वजह से प्रोलॉन्ग जो रिनल में वेजो स्पाज्म की कंडीशन हो रही है किसी वजह से तो उस वजह से ये धीरे धीरे ये कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और किस किस कंडीशन में ये होती है जैसे कि प्री एक्लिम्सिया में ये इसके अंदर प्री एक्लिम्सिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है फिर प्रोलॉन्ग इंट्रायूटेराइन डेथ या फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के कारण। और इसमें ओलिग्यूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है और वो ओलिग्यूरिया धीरे धीरे लीड्स टू एन्यूरिया में भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यूरिन की फ्रिक्वेंसी पहले कम होगी फिर धीरे धीरे एबसेंट ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा। और अदर इसके क्या क्या और भी कॉम्प्लिकेशन इसके कारण अराइज हो सकते हैं जैसे कि कार्डियक डायलिटेशन हो सकता है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या लिथार्जिया कन्वल्जंस की कंडीशन भी हो सकती है पेशेंट में। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है। ओलिग्यूरिया तो इसका मोस्ट कॉमन साइन है ही, इम्पोर्टेंट साइन होता है ओलिग्यूरिया। और इसके अलावा इंटेक आउटपुट चार्ट भी इसमें मेंटेन करते हैं ताकि बता रहे हैं कि कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है कितना इनटेक पेशेंट ले रहा है। और इसके साथ साथ पेशेंट वॉर्म होगा, अगर पेशेंट को टच करेंगे तो पेशेंट हमको वॉर्म फील होगा या थर्स्टी होगा पेशेंट और ग्रेजुअली बिकम इरिटेबल एंड लिथार्जिक। और उसके बाद में उसके ब्लड का अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल हाई मिलेगा और जो ईसीजी में और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन मिलेगी उसमें। तो हाइपरकैलेमिया के कारण मसल्स हैं उनमें और ईसीजी में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ईसीजी में चेंजेस के कारण हार्ट में भी चेंज होगा क्योंकि हाइपरकैलेमिया के कारण हार्ट में भी चेंज होता है इस वजह से ईसीजी भी चेंज होगी। और जो उसके बाद में जो इसकी डायूरेटिक फेज होती है पहले इसमें ओलिग्यूरिया होता है बाद में डायूरेटिक फेज इसमें होती है तो इसमें एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन पास करेगी पेशेंट लेकिन इसमें ब्लड यूरिया का लेवल इसमें हाई रहेगा। अगर यूरिन अगर ज़्यादा पास करेगी लेकिन फिर भी उसमें जो यूरिया का लेवल है वो हाई मिलेगा। उसके बाद में इसके मैनेजमेंट क्या करेंगे तो सबसे पहले इसका अर्ली डायग्नोसिस करेंगे। अर्ली डायग्नोसिस करने के बाद में हम इसके अगर हेमरेजिक कंडीशन के कारण अगर ये हुआ है रिनल फेलियर तो पहले उसका जो ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको देंगे ब्लड रिप्लेसमेंट करेंगे। और उसके बाद में अगर एक्लेम्प्टिया के कारण हुआ है तो उसके बीपी कंट्रोल करेंगे और
नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जो अगर उस ले रही है पेशेंट की नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग चल रही है तो वो इमीडिएटली स्टॉप करवाएंगे और जो फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको देंगे तो फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी में बहुत एक्सेस अमाउंट का फ्लूड हम नहीं देंगे, जितना पेशेंट का आउटपुट है उतना ही हम उसको फ्लूड देंगे क्योंकि वो उनके ओवरलोड कोज कर सकता है जो हार्ट पे भी इफेक्ट डालेगा। और उसके बाद में अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो प्रॉपर एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे और उसका ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो ब्लड में है वो जो उसकी क्रिएटिनिन यूरिया और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल जो है वो प्रॉपरली रेगुलरली उसका चेक करते रहेंगे। और अगर लास्ट में अगर नीड है तो उसका पेरिटोनियल या फिर हीमोडायलिसिस भी करना पड़ सकता है रिनल फेलियर वाले पेशेंट में। और जितना हो सके उतना इसकी अगर डिलीवरी अगर नहीं हुई है तो अगर डिलीवरी के पास में अगर ये कंडीशन है तो जितना हो सके उतनी जल्दी डिलीवरी परफॉर्म करवाने की कोशिश करेंगे जिसकी। और डिलीवरी परफॉर्म करवाने से पहले उसकी कुछ जनरल कंडीशन को पहले इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसकी जनरल कंडीशन इम्प्रूवमेंट हो जाए उसके बाद में उसकी डिलीवरी हम कंडक्ट करवाएंगे।